और अगर अपराधी अवैध हथियार लेकर गोली चलाने का प्रयास करेंगे, किसी की हत्या करने का प्रयास करेंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे, तो पुलिस को भी उस पर गोली चलाने का अधिकार होगा। सरेआम किसी की हत्या करेंगे या पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाने से परहेज नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शरद कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। दिलीप जायसवाल जी, आपने एक बयान दिया था, एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे रुपौली में। आपने कहा था कि SIT की गठन होगा और अपराधियों को सीधे गोली मार दिया जाएगा, अवैध हथियार रखने वाले का। आपने सही कहा कि अवैध हथियार का गलत उपयोग करने वाले को पुलिस कभी नहीं बख्शेगी। जिस तरह से भवानीपुर में एक व्यापारी की सरेआम हत्या की गई गोपाल यादव का, जमीन विवाद को लेकर, और दिन में आकर के उनको गोली मार दी गई, तो मैंने कहा कि अब पूरे बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए, रोकने के लिए बिहार सरकार SIT का गठन प्रत्येक जिला में करेगी। और अगर अपराधी अवैध हथियार लेकर गोली चलाने का प्रयास करेंगे, किसी की हत्या करने का प्रयास करेंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे, तो पुलिस को भी उस पर गोली चलाने का अधिकार होगा और उस अपराधियों को गोली चलाने का अधिकार जो पुलिस को होगी, वैसे अपराधी जो कि पुलिस और आम इंसान पर गोली चला। आपके इस बयान से विपक्षी घबरा गए, विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान से बचना चाहिए, एक मंत्री होकर इस तरह का बयान, SIT डायरेक्ट गोली मार देना, न्यायालय है, न्यायालय के लिए ले आया। देखिए, विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मेरे बयान को पूरे अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा अवैध हथियार से जो हत्यारे सरेआम किसी की हत्या करेंगे या पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाने से परहेज नहीं करेगी। पुलिस अगर डायरेक्ट गोली मार रही है, निहत्ता अपराधी है, तो अपराधी को तो न्यायालय के सामने पेश करना होगा ना। निहत्ता अपराधी नहीं, मैं बोल रहा हूँ अवैध हथियार लेकर गोली चलाने वाले अपराधी को तो न्यायालय के समक्ष लाना होगा ना। पुलिस नहीं, सुन, आप एक लाइन भूल रहे हैं। मैंने कहा कि अवैध हथियार लेकर किसी आम जन की के ऊपर गोली चलाने वाला, मर्डर करने वाला, जो भवानीपुर में मर्डर किया, या पुलिस पर गोली चलाने वाले के लिए पुलिस को भी अधिकार होगा कि जब अपराधी अवैध हथियार से गोली चलाए तो पुलिस भी गोली चला सकता है। जा सकता है, कैबिनेट में कहीं ना कहीं ये बातें हुई होगी, तभी आप इस भाषण में अब बोल रहे थे। नहीं, कैबिनेट में ये बातें नहीं होती है, कैबिनेट में तो SIT गठन की बात होती है। SIT गठन की बात हुई है कैबिनेट में, मैंने जब बयान दिया है तो इसको कन्फर्म करने की क्या आवश्यकता, तभी ये कंफर्म किया SIT प्रत्येक जिला में SIT का गठन, प्रत्येक जिला में SIT की गठन होगा और व्यक्ति के साथ गोली मार देने का आदेश भी होगा। ये आप बोल रहे हैं अपराधियों को जो अवैध हथियार के साथ, अवैध हथियार से जो पुलिस पर गोली चलाएगा, आम जन की हत्या करने के लिए गोली चलाएगा, तो पुलिस भी रक्षार्थ में उसको, उस इंसान को बचाने में और अपने आप को बचाने के लिए उसका जवाब दे। लगातार विपक्ष बोल रही है कि बिहार को UP बॉर्डर के तट पर बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। क्वेश्चन दोबारा हो गया, ये आपका योगी मॉडल ने, यहाँ तो नीतीश कुमार हमारे विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार कानून का राज, कानून के अनुसार शासन को चलाएंगे। योगी मॉडल होना चाहिए बिहार, नीतीश कुमार मॉडल होना चाहिए बिहार, नीतीश कुमार मॉडल। ये देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार चैनल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।